हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरत प्रभ ब्लॉगर। और गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रहा है। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है दशहरे पर। तो पहले तो सभी को मेरी ओर से हैप्पी दशहरा, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो इसी रूप में हमें ये नहीं देखना चाहिए दशहरे में जाके कि श्री रामचंद्र जी ने रावण को आज मारा था, उनका नाश किया था। तो आज के दिन हमें ऐसे लेना चाहिए, तो आज के दिन बुराई का नाश हुआ था, वो रावण के रूप में थी। तो आज के दिन हमें सभी को ये पढ़ लेना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे बीच थोड़ी मोटी बुराई है तो हमें पता होता है, तो आज के दिन से ही हम उसको छोड़ दें, तो आगे आगे से अच्छे अच्छे काम करें। ऐसा कोई भी हमें काम नहीं करना चाहिए जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है और जिससे किसी को हर्ट होता है, किसी के हृदय को दुख पहुंचता है, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम काफ़ी दिनों से रामलीला जा रहे थे, तो उसमें हमने जो जो भी रामायण के प्रति झांकी उन्होंने दिखाई, वहाँ पे सीन हुए, वो थोड़े थोड़े आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज के दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि दशहरे में हमने कैसे मत्था टेका। हमारे जैसे हमारी परंपरा होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, तो ऐसे ही हमारे दाल चावल बनते हैं, प्रसाद बनता है, वो हम मत्था टेकते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो शाम को हम दशहरा देखने जाते हैं। तो आज मेरे पास में ही लग रहा है दशहरा, तो थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी रावण मेघनाथ जी के कैसे बना रखे हैं उन्होंने। तो चलिए आज का ब्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। और फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं माँ की दाल, और हलवा है सूजी का, राइस है, तो ये यहाँ पे जौ पड़े हैं, तो ये है साथ में चपाती, और दिया रख लिया है देसी घी का, और हमारी माथा टेकने की तैयारी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जहाँ पे हम टेक रहे थे मत्था, और कीर्ति और मैं मत्था टेक रहे थे, तो अब हमने भगवान को भोग लगा दिया है। तो हमारे ऐसे ही मत्था टेकते हैं दशहरे का परंपरा है, हमारे ऐसे दाल राइस एंड प्रसाद बना के मत्था टेकते हैं। तो इसके बाद में प्रबलीन आ गई थी, प्रबलीन अब मत्था टेक रही है। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी छत पे, तो छत पे मैं वो प्रसाद डालने आई थी, तो ऊपर हम सारा डाल देते हैं डेली चपाती वगैरह, जो भी पक्षी आते हैं वो खा लेते हैं। यहाँ पे उनके पानी पीने के लिए भी बर्तन रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने प्रसाद छत पे पक्षियों के लिए डाल दिया था। और फ्रेंड्स, हम काफ़ी दिनों से रामलीला में जा रहे थे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने रामलीला में क्या क्या देखा, तो आप सभी भी मेरे साथ देखें। भैया लक्ष्मण
मार पे मारने वाला आपके सम्मुख सीता भी कुछ खबर है नहीं। तो अब हम आ गए थे दशहरा ग्राउंड में, हमारे पास में ही दशहरे का मेला लगेगा, 3-4 मेले लगने हैं, आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हम जाते हैं। तो यहाँ पे बुत बना रखे थे रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण के, उनके फेस रेडी थे, बस अटैचिंग करनी बाकी थी और उनमें बारूद लगा रहे थे बम। तो मैं आपको दिखा दूंगी कि उन्होंने काफ़ी सारे बम रखे हुए थे, वो इसमें लगा रहे थे, मैं और कीर्ति घूम रहे थे, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट कर ली थी। ये वाली वीडियो ये देखिए, यहाँ पे ये वाला लड़का बम लेके खड़ा था, तो ये झूले लगे हुए थे, मेले की सारी तैयारियाँ हो गई थी, ये मैं मॉर्निंग में वीडियो बना के लेके आई थी। तो दशहरे के मेले का ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे आपको साथ शेयर करूंगी। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक स्माइल के साथ, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।